चुनाव आयोग ने जैसे ही झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। बैठकों का दौर किस लिए? सीटों के बंटवारे के लिए। जी हाँ, जहाँ महायुति गठबंधन में खींचतान की बात सामने आ रही थी, वहां पे बात बनती हुई नजर आ रही है। और महाविकास अघाड़ी, वहां तो बात बनती हुई नजर ही नहीं आ रही है और बिखराव पैदा हो गया है। खैर, पहले महायुति गठबंधन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो है 99 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। और सबसे खास बात यह है कि देखिए, ये 99 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कौन कौन से वो हॉट सीट हैं, क्योंकि खासकर महाराष्ट्र में ये जो चुनाव होना है 288 सीटों पर होना है, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के अनुसार 260 सीटों पर बात बन गई है। और पहला ही नाम नागपुर दक्षिण पश्चिम से जो है देवेंद्र फडणवीस जो है उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, और कांकावली से नीतीश राणे जो है वो वहां से उम्मीदवार होंगे। और सबसे खास बात है कि नीतीश राणे फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व वाली छवि है उनकी और उसी पर वो अपनी राजनीति करते हैं। और कांकावली से वो उम्मीदवार होंगे, नागपुर से देवेंद्र फडणवीस, और भोंकर से जो है अशोक चौहान की बेटी को टिकट मिला है। तो देखिए, ये खास बात है। और 99 सीटों पर बीजेपी ने जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, 260 सीटों पर सहमति बनी है, बची हुई 28 सीटों पर दावे और प्रतिदावों का मामला चल रहा है। और क्योंकि 288 सीटें हैं, वहीं आपको बता दें कि 260 सीटों में बीती रात जिस तरीके से बैठक चली, गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे समेत तमाम नेता मौजूद रहे, वहां पे 260 में से बीजेपी के लिए 142 सीटें तय होने की बात सामने आई। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 66 सीटें और अजीत पवार वाली एनसीपी के लिए 52 सीटें तय की जा चुकी हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं। वहीं बची हुई 28 सीटों के लिए जो है वही खींचतान चल रही है। वहीं बीजेपी चाहती है कि वो कम से कम 160 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं शिंदे चाहते हैं कि उनकी शिवसेना 60 से अधिक सीटों पर लड़े। वहीं अजीत पवार भी चाहते हैं कि यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़े। वहीं हर दल ये भी चाह रहा है कि अगर चुनाव के बाद सरकार बने तो उसकी स्थिति मजबूत रहे। अब इसमें देखना होगा कि उन 28 सीटों में कौन किधर एडजस्ट करता है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो 10 घंटे की बैठक चली, लेकिन उस 10 घंटे की बैठक में सीटों पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग फेल हो गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और उद्धव ठाकरे नाराज हैं, उन्होंने आपातकालीन बैठक भी बुलाई है और उस बैठक में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय होता है। लेकिन जिस तरीके से महायुति गठबंधन यानी कि बीजेपी ने सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अपनी बातों को रख लिया है और बात बनती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है 99 उम्मीदवारों की, यानी कि 99 सीटों पर, और देवेंद्र फडणवीस नागपुर से, और जो है आप ये सूची भी देख पा रहे होंगे आप कि किधर से कौन चुनाव लड़ रहा है और किस तरीके से जो है बीजेपी यहाँ पे रणनीति बना रही है। खैर, अब देखना होगा कि झारखंड की सूची कब जारी होती है। और बीजेपी जो है इस चुनाव को काफी प्राथमिकता से ले रही है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से जीत मिली है उसके बाद बीजेपी का हौसला बढ़ा हुआ है। और कांग्रेस या फिर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उनके लिए ये एक अब दावे के रूप में नजर आ रहा है। देखना होगा कि सीट शेयरिंग पे बात कैसे अब बन पाती है, क्योंकि बीते दिनों अखिलेश यादव ने भी महाराष्ट्र में हुंकार भर दी है। उन्होंने 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कम सीटों पर हम लोग मानने वाले लोग हैं। और अब देखना होगा कि कैसे वहां पे बात बनती है।